इसके बावजूद भी हमने देखा है पिछले कुछ माह में रेल कर्मचारी के प्रति जो प्रशासन का रवैया है वो बहुत नकारात्मक हो रहा है, और ये जो नकारात्मक रवैया है। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयर रिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारे तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। देखिए, अजमेर मंडल के जो रेल कर्मचारी हैं वो देश भर में अपने कार्यशैली के लिए, अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। चाहे राष्ट्रीय स्तर का रेल सत्ता का कार्यक्रम हो, किसी वरिष्ठ अधिकारी का यहाँ आगमन हो, जोनल स्तर के कार्यक्रम हो, हमेशा अजमेर मंडल के रेल कर्मचारियों ने अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, कार्यशैली के अनुसार बहुत सारे शील्ड जीतने का काम किया है और देश भर में रेलवे का परचम ऊंचा करने का काम किया है। इसके बावजूद भी हमने देखा है पिछले कुछ माह में रेल कर्मचारी के प्रति जो प्रशासन का रवैया है वो बहुत नकारात्मक हो रहा है, और ये जो नकारात्मक रवैया है, जिस तरह से कर्मचारियों से दुर्व्यवहार करने का काम किया जा रहा है, इससे हमारे रेल कर्मचारी हतोत्साहित हो रहे हैं। और बहुत से वरिष्ठ रेल कर्मचारी जिन्हें जोनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रेल प्रशासन ने सराहने का काम किया, ऐसे वरिष्ठ हमारे कर्मचारी जो सक्षम कर्मचारी हैं वो भी इनके व्यवहार की वजह से, इनके दुर्व्यवहार की वजह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने का काम कर रहे हैं, और एक ऐसा तनावपूर्ण वातावरण बन रहा है जिससे कार्यशैली पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इससे रेल के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। और इसके विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने ये एक विरोध प्रदर्शन किया है। आज का ये हमारा जो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन है, ये हम लगातार जारी रखने का काम करेंगे। आज फिर हम नया कार्यक्रम देंगे और ये क्रम लगातार तब तक जारी रहेगा तब तक कि रेल प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका रवैया रेल कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक नहीं रहता है। जब तक इस कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, वर्किंग एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। जब हम डिसेंट वर्क की बात करते हैं, दुनिया में डिसेंट वर्क की बात हो रही है, और हमारे यहाँ जो इतना अच्छा माहौल है काम का, उस माहौल को जो बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, इसका विरोध हम जारी रखने वाले हैं। मोहन चेलानी। बहुत लंबे समय से, और अगर हम यूं कहें कि कोविड संक्रमण के बाद जो विपरीत परिस्थितियां पैदा हुई थी, उसमें तमाम रेल कर्मचारियों ने पूरे संयम के साथ प्रशासन का सहयोग करने का काम किया, किंतु प्रशासन ने आज कोविड की तमाम सामान्य परिस्थितियां हो जाने के बाद, रेलवे का कामकाज पूरी तरीके से सामान्य हो जाने के बाद, जो अपने तरीके हैं, जो अपनी नीतियां हैं, अधिकारियों ने बदलने का काम नहीं किया है। और कर्मचारियों के प्रकरण जो लंबे लंबे समय से लंबित हैं, उन पर कुछ विशेष अधिकारी अनावश्यक टिप्पणियां लगाकर उन्हें लंबित करने का काम करते हैं। कर्मचारियों से अभद्र भाषा का प्रयोग करके, असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उन्हें प्रताड़ित करने का, उन्हें जलील करने का काम किया जा रहा है, और लगातार सभी स्तर पर बातचीत करने के बाद भी अगर कुछ अधिकारियों का रवैया बदलता नहीं है, सुधरता नहीं है, तो ये मंडल रेल प्रबंधक महोदय की जिम्मेदारी है कि वह ऐसे अधिकारियों को समझाएं, क्योंकि आज के युग में कोई भी कर्मचारी अपने आत्मसम्मान पर ठेस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो भी मुद्दे हैं उनको समय समय पर उठाती है, और उस पर अगर उदासीन रवैया अपनाया जाता है, नकारात्मक रवैया अपनाया जाता है, उसको लटकाने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद अधिकारियों द्वारा अफसरशाही करके, तानाशाही करके, अफसरों द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने का काम किया जाए, इन तमाम बातों के खिलाफ
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने आज मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के परिसर में भोजन अवकाश के दौरान मंडल रेल प्रबंधक को इस प्रदर्शन के माध्यम से ये कहने का काम किया है कि समय रहते अपने अधीनस्थ ऐसे सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से अपर मंडल रेल प्रबंधक ओपी महोदय को समझाने का काम करें, काउंसिल करने का काम करें, आवश्यक दिशा निर्देश देने का काम करें, वरना यूनियन अपने इस गुस्से को, अपने इस रोष को बरकरार रखते हुए इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन को अलग अलग तरीके से आगे क्रमबद्ध तरीके से चलाने का काम करेगी, और जब तक ये रुकता नहीं है यूनियन थमने का काम नहीं करेगा। अरुण गुप्ता, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन।